दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर के अंदर एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। दोस्तों उस टॉपिक का नाम है मेमोरी हायरार्की। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेमोरी हायरार्की क्या होता है। दोस्तों इसके लिए आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यादव पांडे, स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टारगेट विद नॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अभी तक मेरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप मेरी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबाना मत भूलिए, क्योंकि मैं रोज आप लोगों के लिए कंप्यूटर से संबंधित नया नया वीडियो लेकर आता हूं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के यहां क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मेमोरी हायरार्की को समझने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कंप्यूटर या मोबाइल में जो मेमोरी होता है वो क्या होता है। दोस्तों आजकल मेमोरी शब्द कॉमन है, आप लोगों ने कंप्यूटर के अंदर या फिर आप लोग एंड्रॉयड फोन का यूज करते हैं उसमें मेमोरी शब्द सुने होंगे। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मेमोरी होती है उसमें हम किसी भी डाटा को परमानेंट रूप से या अस्थायी रूप से स्टोर करके रख सकते हैं, चाहे वहां डाटा एक पिक के रूप में हो या फिर कोई इमेज के रूप में या फिर कोई वीडियो के रूप में या फिर कोई ऑडियो के फॉर्मेट में हो, कुछ भी डाटा को हम मेमोरी के अंदर उसे अस्थायी रूप से या स्थायी रूप से स्टोर करके रख सकते हैं, यही क्या कहलाती है, मेमोरी कहलाती है। और इसका जो मेन वर्क है किसी भी डाटा को स्टोर करके रखना। ये तो हो गई मेमोरी की बात, चलिए अब बात करते हैं मेमोरी हायरार्की क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी हायरार्की क्या होता है इसको समझते हैं। दोस्तों इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, इस डायग्राम के माध्यम से समझेंगे कि आखिर में जो कंप्यूटर के अंदर मेमोरी हायरार्की होती है वो क्या होती है। दोस्तों यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा है रजिस्टर, उसके बाद लिखा है कैश मेमोरी, उसके बाद लिखा है प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिख दिया है सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, ये सब तो मेमोरी ही होती है, ठीक है, लेकिन इसको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है उसके स्पीड के आधार पर, उसके स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं जो रजिस्टर है कैश मेमोरी है और जो प्राइमरी मेमोरी है इसको इंटरनल मेमोरी कहा जाता है। दोस्तों इंटरनल मेमोरी क्यों कहा जाता है, रजिस्टर कैश मेमोरी और जो प्राइमरी मेमोरी है उसको इंटरनल मेमोरी कहने का मतलब क्या है, उसका रीजन क्या है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये तीन प्रकार की मेमोरी है उसे इंटरनल मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मदरबोर्ड के अंदर होते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इंटरनल मेमोरी कहा जाता है। और यहाँ पर मैंने सेकेंडरी मेमोरी लिखा है, इसको मैंने यहाँ पर लिखा है एक्सटर्नल मेमोरी। अब इसे एक्सटर्नल मेमोरी क्यों कहा जाता है आप लोगों के माइंड में कन्फ्यूज हो रहा होगा, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इसे एक्सटर्नल मेमोरी कहने का मतलब ये है, इसका मेन रीजन ये है क्योंकि ये मदरबोर्ड के जो मदरबोर्ड होती है कंप्यूटर के अंदर जो मदरबोर्ड होती है उसके बाहर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों को इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी के बीच जो बेसिक डिफरेंस है वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं, यहाँ पर मैंने प्राइमरी मेमोरी लिखा है और साथ ही साथ नीचे लिखा है सेकेंडरी मेमोरी, इसका तात्पर्य क्या होता है, इस मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन से मेमोरी आते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं जो कंप्यूटर के अंदर प्राइमरी मेमोरी होता है जिसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है, उसके अंतर्गत आपका पहला आता है रैम और सेकंड आता है रोम, इसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये जो रैम है वो क्या है, एक अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, जो प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत रैम है वो क्या किसके अंतर्गत आती है, एक अस्थायी मेमोरी के अंतर्गत आती है, और जो रोम है वो एक स्थायी मेमोरी होती है। अब यहाँ पर अस्थायी और स्थायी से क्या तात्पर्य है, दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि रैम में जो डाटा होता है अगर सडनली लाइट ऑफ हो जाती है उस कंडीशन में रैम में उपस्थित डाटा नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। और जो रोम है जिसको हम रीड ओनली मेमोरी कहते हैं, अगर सडनली लाइट ऑफ हो जाती है उस कंडीशन में भी रोम में उपस्थित डाटा नष्ट नहीं होते, इसलिए इसे स्थायी मेमोरी के कैटेगराइज किया गया है, जो स्थायी मेमोरी होते हैं उनमें रखा गया है। ठीक है, ये तो हो गई प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण की बात। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, पहला तो रैम है, सेकंड है रोम जिसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी,
और रोम का पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है तो दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसके अंतर्गत कौन कौन से मेमोरी आते हैं। पहला तो आता है सीडी, डीवीडी, पीडी, एचडी, मैग्नेटिक टेप। ये सब किसके अंतर्गत आता है? ये सब सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि ऐसा मेमोरी जो मदरबोर्ड के बाहर फिट किए जाते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी, या फिर आप इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कह सकते हैं, या फिर आप एक्सटर्नल मेमोरी भी कह सकते हैं। ये सब एक ही है, वो किसके अंतर्गत आता है? सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। जैसा आप लोगों ने देखा होगा सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, पीडी, ठीक है, पेन ड्राइव, एचडी हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ये सब मदरबोर्ड के बाहर फिट किए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। अगर हिंदी में इसे कहा जाए तो द्वितीयक मेमोरी, और प्राइमरी मेमोरी हिंदी में कहा जाए तो प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसका जो स्टोरेज है, जो रजिस्टर होती है उसमें कोई भी डाटा बाइट्स के फॉर्म में स्टोर होता है, बाइट्स के। ठीक है, जो कैश मेमोरी होती है उसमें KB, इसी प्रकार से जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें MB, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें TB, टेराबाइट्स। ठीक है, बाइट्स रजिस्टर में जो डाटा स्टोर होती है वो बाइट्स में स्टोर हो जाती है, कैश मेमोरी में किलोबाइट्स में, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में मेगाबाइट्स में, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसमें TB के रूप में, जिसका पूरा नाम होता है टेराबाइट्स के रूप में स्टोर किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया स्टोरेज की बात। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं स्पीड की बात। दोस्तों जो रजिस्टर होता है उसका जो स्पीड होती है वो काफ़ी फास्ट होता है, सभी मेमोरी से सबसे अधिक फास्ट किसकी होती है? रजिस्टर की। ठीक है, क्योंकि जो इसकी एक्सेस टाइम होती है CPU और जो रजिस्टर के बीच किसी भी डाटा का एक्सेस टाइम होता है वो बहुत कम होती है, तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट जो मेमोरी होता है वो क्या होता है? रजिस्टर होता है। ठीक है, उसके बाद कैश मेमोरी की, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी की, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी की। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर हम स्पीड के बारे में चर्चा करें तो सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी होती है? रजिस्टर की होती है, उसके बाद कैश मेमोरी की, उसके बाद प्राइमरी मेमोरी की, और उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी की। अब हम बात करते हैं इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है, इसको जो स्टोर करने की क्षमता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों जो सेकेंडरी मेमोरी है ये किस में है? TB के रूप में है। TB मतलब टेराबाइट, अर्थात जो इसका स्पेस है, स्टोरेज कैपेसिटी है, वो सबसे अधिक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं प्राइमरी मेमोरी में, जो प्राइमरी मेमोरी है उसमें MB में है, ठीक है, जिसको हम मेगाबाइट कहते हैं। इसका जो स्टोरेज की कैपेसिटी है वो सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा में प्राइमरी मेमोरी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो कम है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा में प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी कम है। अब यहाँ पर बात करते हैं कैश मेमोरी की, जो कि किलोबाइट्स में है। इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो प्राइमरी मेमोरी से भी कम है, और जो रजिस्टर है इसकी बात करें तो ये बाइट्स में है, और इसका तो सबसे कम है क्योंकि ये बाइट्स में कोई भी डाटा को स्टोर करके रख सकती है। ठीक है, ये तो हो गई स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में बात। चलिए दोस्तों अब हम इसके कास्ट के बारे में बात करते हैं, इसकी जो कीमत होती है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसकी जो कीमत होती है वो काफ़ी कम होती है। ठीक है, और जो प्राइमरी मेमोरी है उसकी कीमत सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा में थोड़ा सा ज़्यादा होती है। फिर जो कैश मेमोरी है उसकी कीमत प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा में थोड़ा सा और ज़्यादा होती है, और जो रजिस्टर होती है उसकी जो कीमत है, अगर हम उसकी कास्ट के बारे में बात करें तो उसकी जो कीमत होती है वो सबसे अधिक होती है। ठीक है, इसलिए क्यों होता है? क्योंकि इसके जो स्पीड होती है, रजिस्टर की जो
स्पीड होती है किसी भी डेटा को एक्सेस टाइम, मतलब उस डेटा को सीपीयू तक पहुंचाने का कार्य सबसे अधिक फास्ट कौन कर सकता है? रजिस्टर कर सकता है। तो जो स्पीड है, जिसकी ज़्यादा स्पीड होगी उसकी जो कॉस्ट होती है वो उतनी ही अधिक होती है, क्योंकि इसकी जो एक्सेस टाइम है सीपीयू तक किसी भी डाटा को पहुंचाने का जो एक्सेस टाइम होती है वो काफ़ी कम होती है, इसकी जो कार्य करने की क्षमता होती है वो काफ़ी फास्ट होती है, इसलिए इसकी जो कीमत है वो सबसे अधिक होती है। दोस्तों इस प्रकार से आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को मेमोरी क्या होता है, ठीक है, मेमोरी की जो स्पीड होती है उसके आधार पर मैंने आप लोगों को बताया कि किस मेमोरी की स्पीड कितनी होती है, और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को उसकी स्टोरेज कैपेसिटी और उसकी जो कास्ट है उसके बारे में भी जानकारी दिया। दोस्तों यह वीडियो कैसे लगा? अगर वीडियो समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर कर दें। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल बस इतना ही, कल फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।